अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं और क्या हो रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन है, बिटकॉइन आ गया है 51 पर और BTC इस वक्त जा रहा है आसमान पर। प्रोडक्शन ये कि 60 पर जाएगा या फिर वापस 48 पर आएगा, तो डिपेंड करता है, चीज़ें तो अप की तरफ है और प्रोडक्शन भी जो चीज़ें हैं। फिर जो सेकंड फेवरेट है वो है साहिब कॉइन, जो है मज़ीद आगे जाएगा। इट्स विल बी गो टू अप एंड अप, विल बी गो टू 330 पे जाएगा और इस तरह प्रॉफिट हो जाएगा। सो मैंने भी लगाया हुआ है इस पर, सो लेट्स सी क्या होता है। पहले मैंने इसको सेल आउट कर दिया था और इससे मुझे प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। तो जब प्रॉफिट मिल चुका है वो ऑलरेडी 30,000 हो चुका है। स्पॉट में मेरे पास अभी USA डॉलर्स है और ये चीज़ें हैं और थोड़ा थोड़ा कॉइन्स बाकी लिए थे, बाय किए थे, ट्रेड्स किए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो लेट्स सी और चीज़ें मार्केट में चल रही है, बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स आगे बढ़ रहे हैं। फंडिंग में हमने लगा हुआ था फ्यूचर में अर्निंग को, अर्निंग भी चल रही है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और अर्निंग हो रही है, इज गुड। यस, और अभी इस तरह अर्निंग आएगी तो हम अर्निंग कर सकेंगे। अभी अर्निंग और ड्यूल अर्निंग के भी जो है और ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट योर ड्यूल अर्निंग मोर। अगर 35 पर स्ट्राइक करता है सो यू कैन इन्वेस्ट योर ड्यूल इथेनॉल। अगर आप 54 पर स्ट्राइक करना चाहें तो 33% मिल चुका है, और अगर इसको 35 पे करते हैं तो विल बी गेट मोर प्रॉफिट। तो सिर्फ देन जपैन एक्चुअली 31 पे 35 पे स्ट्राइक करते 32% और इस पे 41%, तो यू कैन अर्न एक्चुअली ड्यूल इनकम। और आप सिर्फ इथेनॉल को लगाते हैं तो यू गेट द मोर एक्चुअल परसेंटेज और स्ट्राइक, तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। डिपेंड अप टू यू कि आप किस पे करना चाहते हैं। यस, सो इट्स एक्सरसाइज अप टू डू। और इसी तरह ये स्ट्राइक होगा और ये परचेज हो जाएगा, सो ये 655 पे स्ट्राइक होगा जैसे ही, तो ये परचेज हो जाएगा। अभी मे बी पॉसिबल और नीचे जाएगा, इट बी मोर गोस डाउन एंड डाउन। इसको अगर हटा देंगे तो ये बाय नहीं होगा, और मज़ीद बाय करना चाहे जब जिस प्राइस पे तो उस प्राइस पे बाय हो जाएगा।
65, 67 इस प्राइस पे बाय करना चाह कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन है साहिब की 210 और 210 वो और मज़ीद गिरते जा रहा है। इज ऑलमोस्ट 35 दिस अमेजिंग सो लेट्स सी कितने पे जाता है ये। मोस्ट प्रोबेबली प्रेडिक्शन देखी जाए तो 65, 67 prediction so on prediction on 16, 15, 14, 13, 11 more will be goes down prediction will be most go down so let's see whose coin will be goes up. Or overall market is going to win. Win is already on 40%. And who is going to lose? This is all about future trade, zoom and more. Let's see what it has been going to increase or not. Bye bye.